सितंबर का महीना बस कुछ दिन में आने वाला है और इस महीने में कई व्रत तीज त्योहार पड़ रहे हैं जिनका अपना खास महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है। भाद्रपद का महीना 12 अगस्त से प्रारंभ होकर 10 सितंबर 2022 तक रहेगा। इस महीने में महालक्ष्मी व्रत, राधाष्टमी समेत कई त्योहार पड़ रहे हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद मास को खास महत्व दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सितंबर के महीने में कौन कौन से प्रमुख व्रत, तीज त्योहार, दिवस और उपवास आ रहे हैं। एक सितंबर गुरुवार, ऋषि पंचमी, ललिता षष्ठी। सनातन धर्म में पंचमी का अपना विशेष महत्व है। पंचमी तिथि में पड़ने वाले प्रसिद्ध त्योहार नाग पंचमी, संत पंचमी, विवाह पंचमी और ऋषि पंचमी है। दो सितंबर शुक्रवार, सूर्य षष्ठी, संतान सप्तमी, बड़ी सातम। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में ही षष्ठी तिथि के दिन सूर्य षष्ठी अथवा ललिता षष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। पुराणों में इसके बारे में कहा गया है कि इस व्रत को करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और उपासक को सूर्य जैसे तेज की प्राप्ति होती है। चार सितंबर रविवार, श्री राधा अष्टमी, स्वामी हरिदास जयंती। सनातन पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी कहा जाता है। छह सितंबर मंगलवार, परिवर्तनी एकादशी। सनातन पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। नौ सितंबर शुक्रवार, अनंत चतुर्दशी, गणपति बप्पा विसर्जन। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। ये दिन 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आखिरी दिन होता है। सितंबर शनिवार, पितृपक्ष आरंभ, श्राद्ध प्रारंभ, पूर्णिमा व्रत। पितृपक्ष का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष भाद्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। सत्रह सितंबर शनिवार, जीवित पुत्रिका व्रत, अशोकाष्टमी। जीवित पुत्रिका व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। इक्कीस सितंबर बुधवार, इंदिरा एकादशी। अगर किसी के परिवार में या पितरों ने कोई पाप किए हैं
और उनकी वजह से उन्हें शांति नहीं मिल रही, तो इंदिरा एकादशी उनके लिए बहुत फलदायी है। माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन और लगन से व्रत करें तो पितरों को शांति मिलती है। पच्चीस सितंबर रविवार सर्वपित्र अमावस्या श्राद्ध समाप्त। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल यह तिथि 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक होगी। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। छब्बीस सितंबर शारदीय नवरात्रि आरंभ, घट स्थापना। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में चार बार नवरात्रे पड़ते हैं, जिनमें से दो गुप्त और दो प्रत्यक्ष नवरात्रि कहलाते हैं। सनातन कैलेंडर के सातवें महीने अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है।